कठपुतली की पूरी टीम आई हुई है। नया सीजन, नया माहौल, नई फिल्म, जोरदार तालियां। अच्छी बाजी, मैंने ना इडलियों का नया स्टार्टअप शुरू किया है। He is the owner and she is my shop. चीज क्या होता है? साइकिल बोलना सीधा। हाँ तो साइकिल है, इसलिए शी बोला है ना, स्कूटर होता तब ही बोलता। हाजी ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। धोती खुली पहन लेता थोड़ी। पेंगुइन की तरह चल रहा है। विजिटिंग कार्ड तो ऐसे दे रहा है जैसे बड़ी फिक्स दुकान है तेरी, हर आधे घंटे में तेरी दुकान बदल के दूसरे चौक पे खड़ी होती है। तो अच्छी तरह से विजिटिंग कार्ड पर पीछे टाइमिंग भी लिखी है। क्या लिखा है? 1 से 2 मैं तोता चौक में होता हूँ, 2 से 4 मैं बैक रोड पे होता हूँ, और 4 बजे से लेकर 4:10 तक मैं जुहू सर्कल पे होता हूँ। जुहू पे सिर्फ 10 मिनट क्यों? हाँ उधर खड़ा नहीं ना होने देते, पुलिस भगा देती है। अगर ना भागो तो डंडे मारकर आपकी इडलियां सुझा देती है। खैर अक्षय बाजी, आपकी फिल्म आ गई है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। अरे इसको भी बधाई दो, इसकी शादी हो गई है। नहीं शादी हो गई पर बधाई वाली उसमें कोई बात नहीं पाजी। क्यों है? इतनी अच्छी तो शादी हुई तेरी, इतनी अच्छी बीवी है तेरी। बीवी अच्छी है ना दोस्तों, पाजी मेरा बहुत बुरा है, इसने मेरी जबरदस्ती शादी करवा के मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। और जिंदगी तेरी पहले ही बर्बाद थी, शादी का तू बहाना मत लगा रहा। पाजी ये ना बीमार हो गया था हॉस्पिटल में, तो खून चढ़ाना पड़ा इसको 4 बोतलें, पैसा इसके पास था नहीं, और नर्स को ये पसंद आ गया तो मैंने कहा ऐसा पैसे नहीं है, बाटर सिस्टम कर लेते हैं, तुम लोग पैसे माफ कर दो, हम तेरी शादी करा देते हैं। इतनी सी बात नहीं तो वो खून निकालने वाले थे वापस इसका। तो खून चढ़वाना था ना, घोड़ी को चढ़वाया तुमने? घोड़ी चढ़ाया भी इजी नहीं है पाजी, जब घोड़ी को पता चला ना ये चढ़ने वाला है, घोड़ी ने मना कर दिया। लोकल MLA था, हमने उसको फोन करवाया घोड़ी को, तो घोड़ी कहती है चक आ जाओ चढ़ जाओ। शुक्र मना तेरी शादी हो गई, देख अच्छे अच्छे कपड़े तेरे को पहनने को मिल रहे हैं। पहले मैं नंगा घूमता था। कितनी अच्छी लुंगी दी तेरी बीवी ने तेरे को पहनने के लिए। तुम्हें कोई लुंगी पहनाकर साइकिल पर इडलियां बेचने को है ना, तब तुम्हें पता चले कैसे इडली बिकती है। भाई 4 इडलियां नहीं बिकती, 10 बार धोती चेन में आ जाती है। कठपुतली लग रही हो ना? Oh my God! So many celebrity. How do do do? How do do do? How do do do? How do do do? How do do? अरे ये मेरे पति झंडू। ओ झंडू ने झंडू झंडू इतना गुस्सा क्यों करती जानू? बीपी से हाई हो गया, सांस लो ऐसा, रिलैक्स करो। हाँ रिलैक्स, देखो हम कोने में जाके बात करते, मैं तुम्हारा मूड बनाती, कितना गुस्सा करता है आदमी, रिलैक्स। दे कितनी प्यारी बीवी मिलेगी तेरे को, कितना ख्याल रखती तेरा। प्यारी है तो तुम रख लो फिर। यानी इधर मेहमान आए, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए, चाय नहीं पूछ रहे तुम्हें? बाहर भी मैं चाय पूछूं, इधर भी चाय मैं ही पूछूं। क्या बोले? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब आज सैटरडे है, चाय नहीं रखता मैंने, कॉफी रखी हुई है। बीवी के सामने पलट रहा है, अभी बोल रहा था मेरे को खाने को कुछ नहीं देती, ऐसे बोल रहा था आपके बारे में। मेरे बारे में ऐसे बोला? हाँ क्या बोले? मैं खाने नहीं देती तुमको, कितने प्यार से इडली खिलाई, मैं सब भूल जाता है। यही तो प्रॉब्लम है, 24 घंटे पाजी ये इडलियां खिलाती रहती है। मैं पराठे खा के पला बड़ा, ये इडलियों में खेली कूदी। हमारा सच में कॉम्बिनेशन ही नहीं मैच हो रहा। इतना झूठ बोलते है आज भी। परसों आपको पराठे नहीं खिलाए मैं? पराठे जो खिलाए वो भी बताओ ना, क्या खिलाया तुमने? पाजी मेंदू बड़ा बना बना के इसको इतनी आदत हो गई, कल मैंने कहा पराठा बना दे, आलू का पराठा बनाया, बीच में इतना होल कर दिया इसने। अरे तुम गुस्सा क्यों करते, इसे सांस लियो जोर जोर से, बीपी हाई हो जाएंगे। इधर तुम बैठो, इधर मैं ही नारियल का है ना ये ऑयल लेके आते, मस्त मसाज करती रही। खबरदार अगर नारियल का नाम लिया तो। अर्चना जी इसको सिर्फ 2 ही चीजों का पता, जा इडली का जा नारियल का। हमारे घर में पाजी गेस्ट आते हैं, हम किचन में जाते हैं, इनके घर में गेस्ट आते हैं, फटाफट नारियल पेड़ पे चढ़ जाते हैं। नारियल पानी पिलाएंगे, मेरे को तो इतना नारियल खिलाया, इतना नारियल खिलाया, मेरी कमर पे मलाई आने लगी है। ये रो रही का स्टार्ट हो रही है। अक्षय अन्ना अभी को मालूम कैसे कैसे बात करती है? मेरे को इतने बड़े बड़े डॉक्टर वालों का ना रिश्ता आया था मेरे हॉस्पिटल में, और मैं ये चूसा वो मरीज के लिए गई और ऐसे बात करते। पाजी ये हॉस्पिटल में नर्स है, लोग
शादी के बाद डोली का मुंह देखते हैं, मैंने स्ट्रेचर का मुंह देखा था। इनके घर में अभी डबल बेड नहीं है, दो स्ट्रेचर जोड़कर ऊपर गद्दा बिछाया हुआ है। जब भी मैं रात को इसके पास जाता हूँ, इसका स्ट्रेचर उधर चला जाता, मेरा इधर चला जाता। 1.5 साल से हमारी सुहागरात ही नहीं हुई। हेलो। हाँ पापा, मैं उस्ताद जी के मोहल्ले में पहुँच चुकी हूँ। चेहरा मैं ले जाऊँ कहाँ, हुस्न को छुपाऊँ कहाँ, रोमियो हजार आगे पीछे दौड़े। ओहो पापा, मैं छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ, अब कौन मैं उस्ताद जी को पहचान लूंगी। ओके पापा बाय। एक्सक्यूज मी, उस्ताद जी इसी मोहल्ले में रहते हैं? हेलो जी, उस्ताद जी बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, अरे अरे, सिंगिंग सीखनी है, कोई बात नहीं। ए अरिजीत, वाटर कूलर निकाल के बाहर रखना। हाँ तो वो म्यूजिक सिखा देंगे। अरे उसमें क्या है, देखिए उदित जी वैसे ही बड़ा रिगार्ड करते, बाकी मैंने तो सिर्फ पॉलिश किया उदित नारायण साहब को, बाकी था। जी जी हाँ, नो प्रॉब्लम, आ जाइए, मैं सिखा दूंगा आपको। जी 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 हाँ बिल्कुल जी। आप कुछ कह रही थी? उस्ताद जी कहाँ मिलेंगे? आपको नहीं मिलेंगे। क्यों? कितना साफ साफ मैंने बोला अभी। मैं उस्ताद जी हूँ, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा। वो मैंने सुना, लेकिन मैं कंफर्म कर रही थी। अच्छा अच्छा, आपने किन किन को गाना सिखाया? आप ये पूछो किस किस को नहीं सिखाया। अभी सुबह ही उदित नारायण साहब, शानू दा इधर थे। उदित जी को मैंने अंतरा दिया, शानू जी को मैंने संतरा दिया सुबह। लेकिन उनको संतरा क्यों? उनका जूस पीने का मन कर रहा था, गाने तो गाते रहते हुए। बाकी अलका जी तो वैसे ही मेरा नाम लेती है, मैं सिखाया नहीं पर ऐसे मानती हैं। Oh my God, I'm so excited. मैं पहली बार लाइव उस्ताद जी को देख रही हूँ। फिर तो आपको ये भी नहीं पता होगा उस्ताद को कैसे मिला जाता है। नहीं पता होगा? उस्ताद को गले मिलते हैं, गले गले मिलते हैं, उस्ताद को हक करते हैं। निकाल दो जान उस्ताद की, गले लग जाओ। गले क्यों मिलते हैं? गले का काम है ना। जैसे मेरे पिताजी का घड़ियों का काम था, तो वो हाथ मिलाते थे। अच्छा। मेरे चाचा जी वो तो गद्दे बेचते हैं, वो फिर लेट के मिलते हैं सबसे। हमने तो उनसे मिलना ही छोड़ दिया है। वैसे मुझे देख के क्या लगता है, मैं कब तक संगीत सीख जाऊंगी? आप पे डिपेंड करता है, उस्ताद के साथ जितना टाइम स्पेंड करोगी। आप सच में उस्ताद जी हैं? हाँ बिल्कुल उस्ताद जी हूँ मैं। आपको संगीत आता है? संगीत आता है, अरे रोज 7 से 9 आता है, कल तो खुला रहेगा, सारे गद्दे बिक गए। इतना संगीत आता है मेरे को, कभी कभी तो 5 मिनट पहले आता है, 2 मिनट बाद फिर आ जाता है ऐसा। आप संगीत के बारे में बात कर रहे हैं, पानी के बारे में? तो पानी में भी तो संगीत होता है। आपने गाना नहीं सुना? एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। तन भीगा है, सर गीला है, उसका कोई पेच भी ढीला है, तनती झुकती चलती रुकती, निकली अंधेरी रात में, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। ये आप लड़कियों को ये मोहल्ले में बुला के नचा रहे हैं? Excuse me, मुझे यहाँ पे किसी ने नहीं बुलाया, मैं यहाँ पर खुद आई हूँ। अच्छा, खुद मोहल्ले में आके नाच रही हैं दूसरों के? तो फिर एक काम कीजिए, आप रख लीजिए लाना। ज्यादा बकवास मत कर चाचा, तेरे ना ये नूडल जैसे बाल खींच लूंगी। ओ, मेरी बच्ची को भूख लगी है। Just shut up, okay? मैं आके मोहल्ले के उस्ताद जी से गाना सीखने आई हूँ। ओह क्या मतलब?
ये कपू शर्मा है, उस्ताद जी मैं हूँ। उस्ताद जी आप हैं? यस, उस्ताद घर छोड़ दास। घर छोड़ दास? ये कैसा नाम है? इसकी हरकतें ही ऐसी हैं, दो महीने बाद घर छोड़ना पड़ता है इसको। इससे मुंह मत लगो, ये फ्रॉड आदमी है। हेलो, खबरदार अगर दोबारा कभी मुझे आदमी कहा तो, फ्रॉड कहा तो। आप कैसी ये बातें कर रहे हैं भाई साहब? हमारी भी कोई इज्जत है यहाँ पे। ये नाटक कर रहा है, असली उस्ताद मैं ही हूँ। उस्ताद मैं हूँ, ये देखिए आप। ये क्या है? ये मेरे सगे भाई की माँ की कसम। ओह गॉड, मैं तो बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ कि असली उस्ताद है कौन। मैं काम करती हूँ, मैं आप दोनों का टेस्ट लेती हूँ। नहीं नहीं, मेरे से रोज ब्लड नहीं दिया जाता, मैंने कल ही किया है। मैं ब्लड टेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिंगिंग टेस्ट की बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप लोग मुझे ये बताइए कि संगीत में कितने सुर होते हैं? अरे ये क्या, पांच सुर? पांच नहीं होते, सात होते हैं। आपने ये नहीं देखा ना, सात नीचे वाले दो, पांच ऊपर वाले, तो कभी कभी दो ऊपर। देख रही हैं, देख रही, सात सुर होते हैं तो सात ही होते हैं। देख रही हैं, सात सुर होते हैं, सात नहीं होते। हेलो, हाँ बंटी, मैंने जो तुम्हें कल कहा था ना, बारह होते बेटे, बारह महीने होते हैं, सुर सात ही होते हैं। नहीं एक मिनट, ये सच्ची पूछने का क्या मतलब? इतने गुस्से में बोल रहा है, सच बोल रहा होगा ना? Listen, stop it, okay? Be serious. Test के टाइम पे फोन कॉल नॉट अलाउड। सॉरी टीचर। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.